हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फॉर इंटरव्यू। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द जावा प्रोजेक्ट सीरीज होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, होटल मैनेजमेंट सिस्टम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है विद हेल्प ऑफ स्विंग्स। ठीक है, काफी क्लासेस हम बना चुके हैं, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कौन कौन सी क्लासेस हमने बनाई है। ठीक है, हम इसमें काफी सारी क्लासेस बना चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 क्लासेस हम यहाँ पे बना चुके हैं। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट फ्रेम है। ठीक है, जिसमें ये डिपर मारते हुए होटल मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर यहाँ पे मेरा नेक्स्ट का बटन है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये नेक्स्ट लॉगिन फ्रेम खुला। मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा एंड 1 2 3 4 5 लिखा, तो ये मेरे को नेक्स्ट फ्रेम पे थ्रो करेगा जो कि होगा हमारा फ्रंट पेज। ये हमारा सबसे मेन पेज है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन हैं जिनको हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बनाया था। ठीक है, रिसेप्शन का ऑप्शन था, एडमिन का ऑप्शन था। ठीक है, ये सभी ऑप्शन थे अपने पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे एड एम्प्लॉय बना चुके हैं। आप यहाँ पे देखा होगा एड एम्प्लॉय हम यहाँ पे बना चुके हैं। ठीक है, इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। फिर हमने यहाँ पे एड रूम्स बनाया था जो भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लास रहती है इस ऑप्शन में जो बनानी है हमें, वो है एड ड्राइवर्स। तो यहाँ पे इसमें हम ये वाली क्लास बनाएंगे जो कि होगी एड ड्राइवर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जावा क्लास पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एड ड्राइवर एक क्लास बना देनी है। ठीक है, जो एक्सटेंड करेगी उसको जे फ्रेम को, जो जैसे कि हम अब तक अपनी सभी इसमें करते आए हैं वीडियोस में। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट जावा डॉट, अब ये होती है जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार में। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर आप फोटो में देखो तो मेरे पास यहाँ पर काफी सारे लेबल्स हैं, फिर काफी सारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, और मेरे पास फोटोज हैं, बटन हैं। ठीक है, तो ये सब बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने यहाँ पे, अंदर एक जे लेबल डिफाइन किया। जे लेबल होगा मेरा नेम के नाम से होगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरा वो नेम के नाम से है, तो मैंने जे लेबल भी मैंने उसी नाम से बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पास किया नेम। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे नेम डॉट सेट बाउंड मैंने यहाँ पे किया, सेट बाउंड। ठीक है, अब आपने अगर देखो तो वो थोड़ा सा नीचे है, ऊपर से थोड़ा नीचे है, क्योंकि ऊपर मेरे पास एक और ऑप्शन आएगा जो कि आएगा हेड ड्राइवर्स का। ठीक है, वो बाद में लगाते हैं, तो ऊपर से वो काफी नीचे है। एंड लास्ट वीडियो में हमने लेबल शायद 60 दिया था। ठीक है, तो इसमें 60 रखते हैं, एंड यहाँ से सपोज 70 देते हैं। अब अभी मेरे को कोई क्लू नहीं है कहाँ पे आएगा, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि आएगा कहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे किया, इसको ऐड करते हैं, और ऐड किया मैंने यहाँ पे नेम को। ठीक है, फ्रेम बनाते हैं, सेट लेआउट मैंने यहाँ पे नल किया। ठीक है, सेट लेआउट मैंने यहाँ पे नल किया, और यहाँ पे करते हैं सेट बाउंड्स। ठीक है, इसको कितना दें, 400 200। ठीक है, लेफ्ट से 400, ऊपर से 200, एंड इसको देते हैं क्योंकि साइड में इमेज भी आएगी तो 800 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, जब लेबल सब सेट हो जाएंगे और बाकी सब कुछ सेट 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 हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक मेन मेन वो बनाया मैंने, मेन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को उसको चलाना है। पब्लिक क्या हो रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा ARGS। ठीक है, और यहाँ पे न्यू, ठीक है, न्यू किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया ड्राइवर डॉट सेट विजिबल, एंड यहाँ पे आ गया ट्रू। ठीक है, चल रहा है चल रहा है। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। काफी सही आया है, मेरे को लगता है पहले ऊपर शायद मेरे को लेबल ही बना लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके हिसाब से सब कुछ अच्छे से सेट हो जाएगा, मतलब आइडिया लग जाएगा अच्छे से कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। ठीक है, और न्यू जे लेबल मैंने यहाँ पे बनाया जो कि होगा अपना एड ड्राइवर्स के नाम से। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइटल डॉट सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ से तो काफी आगे, तो उसको 150 आगे करते हैं, फिर बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर से वो काफी आगे नहीं है, और इसको 150 रखते हैं, एंड 30 या ऐड करेंगे टाइटल को। इसमें अभी सेट फॉन्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत छोटा आएगा ये। हाँ, बहुत छोटा आया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट फॉन्ट लगाते हैं, डॉट सेट फॉन्ट, एंड पीछे की तरह मैंने यहाँ पे न्यू इसका फोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे देते हैं दहोमा। ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल, और इसको देते हैं फोन डॉट बोल्ड। ठीक है, अब तक हम प्लेन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, तो यहाँ फोन डॉट नो बोल्ड दिया मैंने यहाँ पे, उसको 18 रखते हैं। मेरे को देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। अच्छा, फोन क्लास जो होती है वो हमारी AWT पैकेज के अंदर होती है, तो उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, AWT डॉट स्टार या। ठीक है, चलाते हैं। ठीक है, बेटर, काफी बेटर है। ठीक है,
इसमें भी सेट फॉन्ट देते हैं क्योंकि ये भी बहुत छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे दिया मैंने नियर नेम डॉट सेट फॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पे न्यू फॉन्ट के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, ठीक है। और द होमा दिया इसको भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देंगे फॉन्ट डॉट प्लेन क्योंकि ये हमारा कोई हेडिंग नहीं है, और इसको देंगे कितना 16 दे के देखते हैं, ठीक है। अभी से मैं देख के देख रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है, 16 शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको 14 करना पड़ेगा। 14 करके देखते हैं, वैसे 16 भी ठीक था, लेकिन पीछे हमने 14 दिया था। ठीक है, 14 रखते हैं, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी किया मैंने, जितने मेरे पास लेबल्स हैं वो सभी यहाँ पर बना लेते हैं। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 7 लेबल्स हैं, ठीक है। तो 2 3 4 5, अरे 5 6 एंड 7, ठीक है। और जो मेरे पास लेबल्स हैं वो है, मेरे पास सेकंड लेबल है मेरे पास एज के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एज, आ गया। इसको की करेंगे कंट्रोल, अरे इसको करेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा लेबल है वो जेंडर के नाम से है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे जेंडर कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो मेरा वो है लेबल, वो कार कंपनी के नाम से है कि बंदा जो है कौन सी वो चलाता है, क्या कहते हैं, जो कार चलाता है वो कौन सी कंपनी की होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कार, ठीक है, एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे आ गया कंट्रोल वी, ठीक है। एंड यहाँ पर भी कंट्रोल वी, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे कार मॉडल है अपना, ठीक है, कि कंपनी के कौन से मॉडल की कार चलाता है, मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल, ठीक है। एंड इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे आ गया पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। अभी मेरे को सेट माउंट भी चेंज करना है, ठीक है, मेरे को याद है। और बंदा अवेलेबल है या बिजी है, तो यहाँ पे अवेलेबल वो चेक होएगा, ठीक है। AVAILABLE कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो अपने पास लोकेशन है कि बंदा जो है कौन सी उसकी गाड़ी जो है कौन सी लोकेशन पर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन, ठीक है, एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब सेट बाउंड देते हैं, ठीक है। तो 60-60 से होगा, लेकिन यहाँ पे वही 120 का गैप रखते हैं। अभी मेरे को देखता हूँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैंने चलाया इसको, नहीं, 50 का गैप तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, 50 गैप में दे देते, ठीक है। 30 का गैप देख के देखते हैं, 30 भी नहीं, 110 देते हैं। हाँ, 110 या 110, ठीक है, ठीक है, 110 आ गया। यहाँ पे 150 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 190 एंड फिर यहाँ पे आ गया अपने पास 230, ठीक है। 230 के बाद यहाँ पे आ गया 270, 270 एंड 310, या परफेक्ट, ठीक है, चलाते हैं। काफी बेटर, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट व्हील बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास टेक्स्ट व्हील आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट व्हील बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा जे टेक्स्ट व्हील T1, ऊपर टेक्स्ट व्हील्स बना लेते हैं अपने। तो ग्लोबली जितनी भी हमने अब तक टेक्स्ट व्हील बनाई है वो सब ग्लोबली बनाई है, ठीक है, क्योंकि इसको मेरे को वहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो T2 एंड T3, अभी के लिए 3 टेक्स्ट व्हील बनाते हैं क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा कितनी चाहिए, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट व्हील मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, एंड T1 डॉट सेट बाउंड किया, T1 डॉट सेट बाउंड, ठीक है, क्योंकि नेम के आगे मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट व्हील चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नेम के साथ एक टेक्स्ट व्हील बना रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल उससे आगे जाएगी, तो 200 हमने पीछे दिया था, यहाँ पे 200 दे देते हैं, ठीक है। सेम लेवल पे होगी, तो मैंने इसको 70 दिया एंड इसको 150 एंड 30, जैसे कि हम अब तक पीछे देते आए हैं अपनी सभी टेक्स्ट व्हील्स में, ठीक है। इसको किया मैंने यहाँ पे T1, चला के देखते हैं, या ठीक है, ठीक है। तो अपने एज के सामने भी टेक्स्ट व्हील है, तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एज लिखा है तो आपको इसके नीचे ही पेस्ट करना है, ठीक है, आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं इसको। आप सभी लेबल्स एक साथ बना सकते हैं, सभी टेक्स्ट व्हील एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बस इसको सिस्टमेटिक वे में कर रहा हूँ, ठीक है, कि नेम के साथ मेरी 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 टेक्स्ट व्हील है और एज के साथ भी मेरी टेक्स्ट व्हील है, लेकिन जेंडर के साथ मेरा यहाँ पे रेडियो बटन है, ठीक है। रेडियो बटन होगा, ड्रॉप डाउन होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाऊंगा इसके साथ, थोड़ा अंदाजा लग जाता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके साथ लिख रहा हूँ इसको। तो इसको 110 किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ताकि सेम उसमें रहे, या ठीक है।
जेंडर है, जेंडर में क्या बनाए, सोच रहा हूँ कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। वैसे कॉम्बो बॉक्स होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। जे कॉम्बो बॉक्स और B1, C1, ठीक है। मेरे को यहाँ पे दो कॉम्बो बॉक्स चाहिए, ठीक है। आपने अगर वो इमेज अगर ध्यान से देखी हो तो मेरे को यहाँ पे दो कॉम्बो बॉक्स चाहिए थे, ठीक है। एक तो यहाँ पे जेंडर के लिए, फिर एक मेरे को चाहिए अवेलेबल के लिए कि बंदा अवेलेबल है उसमें, येस और नो, ठीक है। तो C1 इज इक्वल्स टू न्यू जे कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। इसका सी कैपिटल आएगा, या ठीक है, इसका सी कैपिटल आया। और यहाँ पे मेरे को एक एरे पास करना है, तो स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, और या चल रहा है, या चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जेंडर है कि बंदा मेल है, ठीक है, या फिर बंदा जो है वो फीमेल है। C1 डॉट सेट बाउंस, ठीक है। इसको सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पे। अब ये भी 200 पे जाएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर से जो डिस्टेंस होगा इसका वो भी सेम होगा जेंडर के जितना, तो 150 मैंने यहाँ पर दिया, और 150 एंड 30 जैसे कि हमने ऊपर टेक्स्ट में दिया था, ठीक है। तो इसको ऐड किया मैंने यहाँ पे, ऐड किया मैंने यहाँ पे C1 को, ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। अब चला के देखते हैं, या आ गया, ठीक है, मेल एंड फीमेल आ चुके हैं दोनों। अब यहाँ पे कार कंपनी है, ठीक है, कार कंपनी के सामने भी टेक्स्ट फील है, तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया एंड यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। और इसको किया मैंने यहाँ पे T3, T3 एंड T3, और ये है 190 पे, ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। अब कार मॉडल पिक के सामने भी मेरे पास यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे मैंने किया T4, 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 T4 मैंने अब अभी ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे एरर आएगा 230, ठीक है। आ गया, मेरे को लगा भाई T4 तो मैंने डिक्लेयर किया नहीं, चल कैसे गया, ठीक है। उसके बाद फिर C1 यहाँ से कॉपी किया, क्योंकि अवेलेबल के साथ मेरे को यहाँ पे एक और कॉम्बो बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो इस कॉम्बो बॉक्स को C1 से C2 करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बंदा अवेलेबल है, हाँ यस, अवेलेबल के आगे अवेलेबल लिखें या बिजी लिखें, अवेलेबल लिखते हैं, और यहाँ पे आगे बिजी, ठीक है, या उसके बाद फिर लोकेशन, ठीक है, लोकेशन में भी एक टेक्स्ट फील्ड है, तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड जो है अपनी वो T5 के नाम से, ऊपर T4 और T5 जो है उनको डिक्लेयर भी करते हैं, T4 एंड T5, ठीक है, चला के देखते हैं। शायद मैंने इनको चेंज नहीं किया, T4 एंड D5, अच्छा ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं चेंज किए मैंने, ठीक है। तो कार मॉडल जो है, या कार मॉडल के कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए मैं, इसके नहीं हुए, 270 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन में आ गया 310, ठीक है। अब चलाते हैं, अब चलेगा, या आगे ये सब, ठीक है। मेरे को इसके थोड़ा सा इसको लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जो इसकी लेंथ है, क्योंकि नीचे मेरे को यहाँ पे बटन से चाहिए, तो सबसे पहले ऊपर बटन बनाते हैं। तो जे बटन मैंने यहाँ पर लिखा B1 एंड B2, और फिर यहाँ पर आए नीचे, ठीक है, और B1 इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा सबमिट, सबमिट नहीं लिखते, ऐड ड्राइवर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे B1 डॉट सेट बैकग्राउंड, क्योंकि हमें ब्लैक चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कलर डाल रहा हूँ बैकग्राउंड में, तो मैंने यहाँ पे लिखा कलर डॉट ब्लैक, अरे अरे अरे, या कलर डॉट ब्लैक एंड B1 डॉट सेट फोरग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कलर डॉट व्हाइट, मतलब ब्लैक के ऊपर जो होना चाहिए वो व्हाइट कलर में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा एड B1, और फिर मैंने B1 को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मेरे को B2 चाहिए, अभी ही मेरे को यहाँ पे सेट बाउंड भी करना है, ठीक है, अभी वो भी करते हैं, लेकिन ऐसे ही मेरे को यहाँ पे B2 चाहिए, B2 एंड B2, B1 को सेट बाउंड करते हैं, ठीक है। तो B1 डॉट सेट बाउंड किया, ठीक है, लेबल हमारे 60 से शुरू हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 60 दिया, एंड 310 पे खत्म हो रहा है, या 310 पे खत्म हो रहा है, तो इसको करते हैं 370, थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड ये है अपना 130 करते हैं इसको, 130 एंड 30, अभी आई हैव नो क्लू कि ये कहाँ पर आएगा या कैसे आएगा, बस चेक लगा रहा हूँ मैं, बाद में जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको देते हैं 190 पे, 130 एंड 190 तक तो यही जाएगा, इसको 120 देना पड़ेगा, 120 एंड 120, चलो देखते हैं, चला के देखता हूँ, पहले इसको B2 करता हूँ यहाँ पे, चलो
चला के देख। अभी अभी उसका मेरे को वो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ मेरे को लगा ही था उसको पहले ये बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद चलेगा। ठीक है तो इसको करते हैं 500। इसकी विड्थ बढ़ाई है थोड़ी सी। यार काफी ठीक आया है, बस थोड़ा सा बड़ा करना है। तो इसको करते हैं, इसको 130 किया, 130 एंड 60, 190। तो ये 200 से शुरू होगा। आई होप सही नहीं आया। ठीक है इसको 130 करते हैं, शायद अब थोड़ा सही आए। ठीक है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ठीक है, परफेक्ट। ठीक है इसको थोड़े से इसको कम करते हैं, 470 करते हैं। या ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके फ्रेम के कलर को चेंज कर दें पहले। तो यहाँ पे मैंने लिखा गेट कंटेंट पेन, गेट कंटेंट पेन डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे आ जाएगा कलर डॉट वाइट। ठीक है कलर डॉट वाइट, तो यहाँ पे कलर डॉट वाइट आ गया। या कलर डॉट वाइट इसका हो चुका है। ठीक है अब मेरे को उसका कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, अरे यार वो वहाँ पे आप देख रहे होंगे तो उनका कोई दूसरा ही कलर आ रहा है। ठीक है जो मेरे कॉम्बो बॉक्सेज हैं, तो इसके कलर को चेंज करना है यहाँ पे। तो मैंने लिखा C1 डॉट सेट बैकग्राउंड। ठीक है C1 डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे आ गया कलर डॉट वाइट। ठीक है इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। C1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट वाइट, और यहाँ पे आ गया C2। या परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे एक इमेज लगानी है, तो जो इमेज है वो है पिछले वाली, कौन सी थी, 12th थी क्या पिछले वाली? या पिछले वाली 12th थी, तो ये शायद 11th होगी। 11th ई कहाँ पर है, ये रहा। या ये 11th है। ठीक है तो मेरे को यहाँ पे ये वाली इमेज उठानी है, और इस इमेज को उठा के मेरे को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है या तो लगाते हैं ये वाली इमेज, तो कहाँ पे लगाए हैं, सबसे नीचे लगाते हैं चलो। ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा इमेज आइकन I1 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन। ठीक है और यहाँ पे आ गया क्लास लोडर LODER डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स। ठीक है फोटो कहाँ पड़ी है, होटल के अंदर, MANAGEMENT सिस्टम के अंदर, आइकन्स के अंदर। ठीक है आइकन्स के अंदर पड़ी है, और कहाँ पे पड़ी है, कौन सी इमेज है, ELEVEN डॉट JPG। ठीक है परफेक्ट बिल्कुल, इसको जे लेबल में डालते हैं। जे लेबल L1 के नाम से मैंने यहाँ पर जे लेबल बनाया। ठीक है इसको न्यू जे लेबल, यहाँ पे I1 डाला। ठीक है L1 डॉट सेट बाउंड्स किया। ठीक है इमेज अपने को कहाँ पर चाहिए, ये कहाँ तक जा रहा है, बटन जा रहा है अपना 210 और 130। 210 130 कितना होता है, 310 और 340, 400 से देते हैं। ठीक है 400 से देते हैं 20, और कितनी मैं सिर्फ अभी डाल के देख रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कहाँ पर आएगा। ठीक है मैंने सिर्फ डाला है। तो बहुत बेकार आया भाई। सबसे पहले तो इसके विथ बढ़ाते हैं इसकी। ठीक है विथ बहुत कम है, या विथ कम हुई है। अब मेरे को इसके साइज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है तो इमेज I2 इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज के साइज को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है क्योंकि वो इमेज बहुत बड़ी है, तो वो स्क्रीन पे ठीक से आ नहीं पाएगी। तो मेरे को यहाँ पे इमेज के साइज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, I1 डॉट गेट इमेज, ठीक है डॉट गेट स्केल्ड इंस्टेंस। ठीक है कितना देते हैं, 500 एंड 400 एंड इमेज डॉट डिफॉल्ट स्केल डिफॉल्ट। ठीक है मैं सिर्फ डिफॉल्ट लिख रहा था। अब यहाँ पे जो अपडेटेड इमेज है वो डाली मैंने, अरे अभी नहीं डाल पाएंगे। ठीक है मेरे को यहाँ पे इसको वापस इमेज आइकन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है तो इमेज आइकन लिखा मैंने यहाँ पे I3 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन। ठीक है और यहाँ पे पास कर दिया I2, अब यहाँ पे पास करेंगे I3। ठीक है यहाँ आ आ आ आ ये क्या हो गया। ठीक है परफेक्ट, ठीक है चला के देखते हैं। काफी सही आई है, काफी सही, बहुत सही इमेज आई है। बस एक चीज करनी है इसको, थोड़ा सा ये ज्यादा हुआ हुआ है, तो उसको 400 से हटा के 300 करते हैं। या परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। नीचे करने के लिए इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, और इसको 50 किया मैंने।
ठीक है, क्योंकि जो इमेज थी वो थोड़ी सी ऊपर मूव हो रही थी, अब भी ऊपर मूव हो रही है, ठीक है, तो इसको 80 किया, या परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। अब राइट में यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको कट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 980, ठीक है, क्योंकि जितना स्पेस हमें चाहिए उतना ही रखते हैं, या ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 500 किया मैंने यहाँ पे इसको, बेटर। अब इसको वहां पे जोड़ते हैं डैशबोर्ड में अपने, ठीक है, फिर चला के देखेंगे उसके हिसाब से। तो मेरे पास यहाँ पर एडरूम के नाम से भी क्लास थी, और मेरे पास यहाँ पर इसके नाम से भी क्लास है, ए डॉट डायरेक्शन कमांड, ठीक है, डॉट इक्वल्स, और ये किसके इक्वल है, एड ड्राइवर, वहां पे एड ड्राइवर से या ड्राइवर है, ये चीज मेरे को चेक करनी पड़ेगी कि वहां पे एड ड्राइवर से या एड ड्राइवर है। चलो कोई नहीं, देखते हैं, ट्रू, ठीक है, इसको चलाया, और यहाँ पे क्या है, एड ड्राइवर से चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एड ड्राइवर लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर आएगा एड ड्राइवर, ठीक है, या अब चलाते हैं, अब चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एड ड्राइवर पे गया मैं, परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा मूव हो रही है, इधर थोड़ा कम है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, यहाँ जाएंगे, एड ड्राइवर में गया मैं, ठीक है, और यहाँ पे किया मैंने कितना, 480, ठीक है, या परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वो लगाना है, एक एक्शन लगाना है, ठीक है, दोनों बटन पर, तो यहाँ पे एक्शन लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्टनर, ठीक है, और ये हमारा होता है इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टार, ठीक है, ये आगे आएगा, स्पेस आएगा दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेथड को ओवरराइड कराते हैं, आई एम सॉरी अगर पीछे नॉइज चल रही है तो, ठीक है, अगर नॉइज आ रही है तो पीछे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एन एक्शन परफॉर्म, ठीक है, अब हमें एक एक्शन चाहिए कि बटन के क्लिक होने पर जो सारा डेटा है वो डेटाबेस में जाए, ठीक है, तो अरे ठीक है, और यहाँ पे आ गया एक्शन इवेंट ए, ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। अब अगर पब्लिक पब्लिक स्टैटिक नहीं आएगा, वॉइड आएगा सिर्फ, ठीक है, इफ ए डॉट गेट सोर्स, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, अगर बी वन क्लिक हुआ है तो अलग फंक्शनैलिटी, और एंड अगर बी टू क्लिक हुआ है तो अलग फंक्शनैलिटी, या ठीक है, अगर सिंपल ये क्लिक हुआ है, क्या कहते हैं, अगर सिंपल बी टू क्लिक हुआ है तो हमें वहां पर सिंपल चाहिए, ये क्या हो रहा है, else, अरे else के साथ if आएगा, ठीक है। अब अगर वहां पे बी टू क्लिक हुआ है तो आपने देखो कि बी टू सिर्फ कैंसिल बटन, तो मैंने यहाँ पर लिखा सेट विजिबल, और इसको कर दिया फॉल्स, ठीक है, कि मैं फ्रेम बंद कर रहा हूँ, चला के देखते हैं फ्रेम बंद हो रहा है या नहीं हो रहा कैंसिल बटन क्लिक करने से। अरे दोनों ही एड ड्राइवर है क्या यार, इसको चेंज तो किया नहीं ब्लाइंडली कॉपी कर दिया मैंने, इसको चेंज तो किया नहीं कैंसिल किया यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है, हाँ ठीक है कैंसिल हो गया, ठीक है चलाते हैं, या कैंसिल आ गया, इस पे क्लिक किया, हाँ कुछ नहीं हो रहा, अरे एक्शन लिस्नर भी तो लगा रहा हूँ, लगाना पड़ेगा, किस बात की जल्दी है, एडिक्शन लिस्नर, या ठीक है, इसको क्लिक किया यहाँ से, और बी टू डॉट एडिक्शन लिस्नर, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अंदर दिस डालना पड़ेगा, या ठीक है, अब कैंसिल बटन क्लिक होने पे फ्रेम जो है हाइड होना चाहिए, हाइड हो रहा है, परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अब अगर बी वन क्लिक हुआ है, ठीक है, तो बी वन क्लिक होने पे मेरे को वहां से सभी वैल्यूज को निकालना है, ठीक है, तो सभी वैल्यूज निकालने के लिए मेरे पास वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, और मेरे पास वहाँ पे कॉम्बो बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो पीछे हम देख चुके हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है, अब अगर मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास नेम है, ठीक है, नेम इक्वल्स टू टी वन डॉट गेट टेक्स्ट, मेरे पास यहाँ पे फंक्शन होता है जिसकी वजह से हम उसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर मेरे पास एज एक फंक्शन, एज एक वो है वैल्यू, तो गेट टेक्स्ट मैंने यहाँ पर किया, ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मेरे पास जेंडर है, जेंडर में मेरे पास वो है, क्या कहते हैं, कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स में मेरे कॉम्बो बॉक्स अब एक स्ट्रिंग रिटर्न, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो मेरे को उसको उसमें स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और गेट सिलेक्टेड आइटम मेरे पास एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कार कंपनी है, फिर नेक्स्ट फील्ड, जो नेक्स्ट फील्ड थी मेरे पास वो थी कि ड्राइवर जो है अपनी कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए टी वन डॉट
गेट टेक्स्ट, एंड फिर जो नेक्स्ट है वो है कौन से ब्रांड की गाड़ी चलाता है, ठीक है, मतलब कंपनी कंपनी के कौन सा ब्रांड है वो, ठीक है, तो गेट टेक्स्ट, ठीक है, और या परफेक्ट फिर स्ट्रिंग, अब बंदा अवेलेबल है या बिजी है, ठीक है, वो निकालने के लिए वो हमने डाला हुआ था एक उसमें किसमें एक कॉम्बो बॉक्स में, ठीक है, तो कॉम्बो बॉक्स हमारा सी2 के नाम से था वाला, तो गेट सिलेक्टेड आइटम, एंड जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा लोकेशन, कि बंदे की लोकेशन क्या है जहाँ पर वो अभी प्रेजेंट है, ठीक है, तो t5 डॉट गेट टेक्स्ट, या t1 t2 t3 t4 t5 मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा यही सब है ना, या परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कौन सी इक्वल्स टू न्यू कौन, ठीक है, और डेटाबेस में मेरे को वो खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे MySQL खोल लेते हैं अपनी, ये इतना स्लो क्यों हो रहा है, हाँ ठीक है, अब जो अपने जो डेटाबेस है, अब एक चीज है यहाँ पे, ठीक है, मेरा MySQL अपडेट हो गया था, ठीक है, तो अपडेट हुआ फिर मैंने पासवर्ड उसका चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो फिर से पासवर्ड रिसेट करवाया था उसने मुझसे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला है रूट, मैंने यहाँ पे रूट डाला और रूट डालने के बाद ही मेरे को MySQL में लेके आया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे अपनी मैं यहाँ पर अपनी कौन क्लास में गया, कौन क्लास में मैंने अपना यहाँ पे पासवर्ड डाला, ठीक है, पहले ये यहाँ पे मैंने एम्प्टी रखा हुआ था, अगर आप ये शायद फोर्थ कौन सी वीडियो थी, ये शायद फोर्थ वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने कौन क्लास समझाई थी, ठीक है, पार्ट फोर है इस वीडियो सीरीज का, ठीक है, उसमें मैंने ये वीडियो जब मैं इस क्लास को आपको समझा रहा था तो मैंने यहाँ पे रूट को खाली छोड़ा था, मतलब ये पासवर्ड वाला कॉलम था मैंने इसको खाली छोड़ा था, लेकिन अब मैंने मेरे को वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ा इसलिए मैंने यहाँ पर रूट डालना लिखा है, ठीक है, तो यह परफेक्ट है, कहाँ गया ये रहा। अब मेरे पास यहाँ पे शो डेटाबेसिस मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, तो प्रोजेक्ट HMS के नाम से मेरे पास यहाँ पे ये है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट HMS, ठीक है, तो डेटाबेस चेंज परफेक्ट। तो मेरे को यहाँ पे टेबल बनानी है, ठीक है, टेबल बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर जाना है और या इसको थोड़ा सा ताकि देख देख के हेल्प मिलती रहे, ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल ड्राइवर के नाम से टेबल बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट टेबल ड्राइवर, सबसे पहले आ गया बंदे का नाम, ठीक है, जो कि वेयर केयर वो 30 लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद बंदे की एज आ गई जो कि वेयर केयर मैंने लिए 10 सपोज, आप यहाँ पे डेटा टाइप नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो एक इंटीजर है, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप वेयर केयर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं ऐसी, ठीक है, यहाँ पे फिर वेयर केयर आया, ठीक है, जेंडर में फिर मैंने यहाँ पे वेयर केयर डाला और यहाँ पे सपोज 15, ठीक है, 15 कॉलम्स तक आएगा, और फिर अपने पास कंपनी है, कंपनी में वेयर केयर सपोज 20 आ गया, फिर अपने पास ब्रांड है, ब्रांड में वेयर केयर सपोज 20 तक, ठीक है, फिर अपने पास AVAI LABLE, ठीक है, और यहाँ पे वेयर केयर बंदा अवेलेबल है या बिजी है, कितना सपोज 20 कॉलम्स, ठीक है, बाकी बंदे की लोकेशन कि बंदा किस लोकेशन पर है, ये सपोज 40, परफेक्ट क्वेरी, ओके, वन रिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सही, ठीक है। अब फिर मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग str, इसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है, तो एक इंसर्ट इनटू ड्राइवर और वैल्यूज, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल जैसा कि हम पीछे करते आए बिल्कुल वही तरीका अपनाऊंगा मैं, एक ये लगाया, एक ये लगाया एंड एक ये लगाया, ठीक है, इसको किया कंट्रोल सी, ठीक है, कितने फील्ड्स हैं मेरे पास, 3 और 3, 6 और 1, 7, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाया, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, परफेक्ट। पहली जो अपनी फील्ड है वो है नेम के नाम से, ठीक है, दूसरी जो अपनी फील्ड है वो एज के नाम से, तीसरी जो अपनी फील्ड है वो जेंडर के नाम से, अरे क्या हो गया, जेंडर के नाम से, फिर अपनी फील्ड कंपनी के नाम से, ठीक है, फिर अपनी फील्ड ब्रांड के नाम से, ठीक है, उसके बाद है AVAI LABLE, ठीक है, उसके बाद है LOCATAI1 लोकेशन, या डन, ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे c.s.execute update, ठीक है, c.s.execute update यहाँ पे मैंने किया, परफेक्ट, तो यहाँ पे str आ गया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा, अरे इसको यार ट्राई कैच में डालना है, ठीक है, स्केच एक्सेप्शन ई, या ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फिर जे ऑप्शन पेन डॉट शो
मैसेज डायलॉग पहला फॉन्ट नल हो जाएगा, तो यहाँ पे ड्राइवर सूटेबल सक्सेसफुली एडिट, या ठीक है बिल्कुल परफेक्ट चलाते हैं। नाम जलेबी बाई ठीक है, और फिर एज कितनी है, वो 32। मेल नहीं है भाई, फीमेल है, एक सेकेंड, फीमेल ठीक है। कंपनी का ब्रांड कौन सा है, टोयोटा फॉर्चुनर ठीक है, अवेलेबल है। लोकेशन क्या, लोकेशन सपोज मद्रास कैफे ठीक है। एड ड्राइवर किया, हाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ पे, एड ड्राइवर पे नल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऐसा कैसे हो गया भाई, नल पॉइंट एक्सेप्शन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन एट होटल मैनेजमेंट सिस्टम एट ड्राइवर, एट ड्राइवर मतलब हमारा जो बटन है, एट ड्राइवर क्लास में एक्शन परफॉर्म्ड मेथड में लाइन नंबर 128, लाइन नंबर 128 में तो सिर्फ एज है, यहाँ पर क्यों एक्सेप्शन आई है, हाँ टी टू नहीं उठा पा रहा, टी टू हमने डिक्लेयर किया है, अरे ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट किया मैंने यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे टी वन को टी टू में चेंज ही नहीं किया, तो टी टू वो उठा ही नहीं पाया पा रहा है ठीक है। यहाँ पे इसने नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो की है क्योंकि टी टू वो उठा ही नहीं पाया ना, टी टू सिर्फ डिक्लेयर था, वो डिफाइन ही नहीं था ठीक है, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें उसने उठा दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन ठीक है। या चलाते हैं जलेबी भाई ठीक है, 32 एंड बंदा फीमेल, कार कंपनी टोयोटा ठीक है, कार मॉडल फॉर्चुनर ठीक है, अवेलेबल या मद्रास कैफे ठीक है, एड ड्राइवर या ड्राइवर सक्सेसफुली एडेड ठीक है। तो यह आप देखते हैं कि सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से, ड्राइवर बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर आया है ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर आ चुकी हैं सभी वैल्यूज ठीक है परफेक्टली, तो ठीक है आई होप इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपने प्रोजेक्ट का सबसे मेन फ्रेम है ठीक है, मेन फ्रेम तो मतलब ये वाला है, लेकिन इसके अंदर जो मेन फ्रेम है रिसेप्शन वाला, अब ये बनाएंगे ठीक है। हम यहाँ पे एडमिन के अंदर तीन फ्रेम्स बना चुके हैं, एड एम्प्लॉय ठीक है, हम सेकेंड फ्रेम बना चुके हैं, ये खुल गया फिर से, हम सेकेंड फ्रेम बना चुके हैं एड रूम्स के नाम से ठीक है, और हमने इस वीडियो में यहाँ पर ये वाला फ्रेम बनाया है एड ड्राइवर्स, परफेक्ट बिल्कुल ठीक है। अब रिसेप्शन फ्रेम बनाएंगे ठीक है, यहाँ से अब हमारा प्रोजेक्ट असली शुरू होगा ठीक है। यहाँ पर तो इनिशियल्स थे कि होटल शुरू हुआ है तो भाई कुछ एम्प्लॉय ऐड कर लेते हैं, रूम्स ऐड कर लेते हैं, ड्राइवर ऐड कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ से असली कहानी शुरू होगी ठीक है, लेकिन अब यहाँ से असली कहानी शुरू होगी रिसेप्शन से ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना भाई ठीक है ना, कोई भी एरर है कोई भी एक्सेप्शन है सीधा कमेंट मार देना ठीक है, कमेंट नहीं मारना चाहते आप मेरे को मेल कर सकते हैं codefin20@gmail.com पर ठीक है। एंड बहुत बंदों का सवाल था कि मैं इसमें वैम सर्वर नहीं यूज कर रहा हूँ, तो या वैम सर्वर से बहुत बंदों को प्रॉब्लम आई थी ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने पिछले सभी प्रोजेक्ट्स में वैम सर्वर यूज़ किया है, और मैंने इस प्रोजेक्ट में MySQL यूज़ किया है सिंपल ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट है ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई वैम सर्वर यूज़ नहीं किया, जबकि वैम सर्वर मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा ठीक है, ये वैम सर्वर है मेरे पास ठीक है, लेकिन मैंने इसका यहाँ पे यूज़ नहीं किया, ये रहा ठीक है। तो वैम सर्वर में बहुत बंदों को प्रॉब्लम आ रही थी ठीक है, मेरे जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भरे पड़े हैं मेरे पास कमेंट्स कि भाई वैम सर्वर नहीं चल रहा, उसमें 2 of 3 सर्विस रनिंग है ऐसे वैसे ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आप वैम सर्वर के बिना भी चला सकते हैं ठीक है, आप MySQL डायरेक्टली भी चला सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है ठीक है। कुछ बंदे मेरे से पूछते थे कि हम वैम सर्वर की जगह जैम सर्वर यूज कर सकते हैं क्या, WAMP की जगह XAMMP ठीक है, तो आप वैम भी यूज कर सकते हो, जैम भी यूज कर सकते हो, MySQL डायरेक्टली भी चला सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे चलाई है, और आप MySQL वर्कबेंच भी यूज कर सकते हो ठीक है। तो या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।